हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार हम लोग फोटोशॉप एनिमेशन एंड एडिटिंग एप्लीकेशन के साथ वापस आए हैं। पिछले दो क्लास में आप लोगों ने यह सीखा कि फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप को स्टार्ट कैसे करते हैं, फोटोशॉप को क्लोज कैसे करते हैं, फोटोशॉप में किसी इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, फोटोशॉप में किसी भी इमेज को सेव कैसे करते हैं और फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट पेज कैसा होता है। और हमने फोटोशॉप के जो हमारा बाय डिफॉल्ट पेज होता है, यानी कि जो होम पेज होता है, उस होम पेज के बारे में पढ़ा। आज के इस क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यानी कि नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं, वो है हमारा टूल्स बॉक्स। और उस टूल बॉक्स के हर एक टूल को आज हम यूज करेंगे एक्टिविटी बेस्ड में, और फिर हम आगे की तरफ आपको ले चलेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं अपने फोटोशॉप। तो फोटोशॉप का स्टेप्स क्या था स्टार्ट करने का? वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक ऑन फोटोशॉप ऑप्शन, एंड देन योर फोटोशॉप एप्लीकेशन विल बी ओपेंड इन योर डिस्प्ले। तो आइए हम लोग, ये रहा हमारा फोटोशॉप का होम पेज। हमें इसमें आज एक इमेज इंसर्ट करना है और फिर उसमें वन बाय वन करके टूल्स का यूज करना है। जैसे फर्स्ट टूल आपका क्या है, जैसे आपका ये देखिए, आपका ये कुछ रिवीजन था, विंडोज 7 में आप कैसे खोलते हैं, विंडोज 10 में कैसे खोलते हैं, और फिर हमने एक एक करके सेविंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, चेंजिंग बैकग्राउंड, ये सब पढ़ लिया था। आज हम लोग इस पर आते हैं, वर्किंग विथ इमेज थ्रू एक्टिविटीज। आज एक इमेज लेंगे और उस इमेज पर हम लोग कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर हमारा फोटोशॉप उसको कैसे करके एनिमेट करता है और किस किस व्यू में उसको लाता है। सबसे पहला हमारा जो है, इसमें तो बहुत सारे फीचर्स हैं आप जानते ही हैं, लेकिन सबसे पहला एक्टिविटी जो हम करेंगे वो है हमारा जूम इन एंड जूम आउट। अब जूम इन और जूम आउट क्या होता है, आप लोग देखे होइएगा, जब किसी चीज पर मेनली फोकस किया जाता है, देखिए वही कहा हुआ है, टू फोकस ऑन अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ एन इमेज यू कैन जूम इन टू द इमेज एंड वंस योर टास्क इज डन। जब आपको किसी भी चीज पर पर्सनली फोकस करना पड़ता है तब आप जूम इन का यूज करते हैं, और जब आपको पूरे के पूरे पेज को देखना होता है तब आप जूम आउट करते हैं। टू जूम इन सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस प्लस की। अब यहीं पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए अभी ये हमारा एक विंडो है, जब हमको इसको जूम करना पड़ता है तो कंट्रोल और इस प्लस के साइन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जूम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर जब हमको पूरे पेज पे फोकस करना पड़ता है तब हम इसको जूम आउट कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया जूम इन और जूम आउट क्या होता है। वैसे ही सेम तरीके से जब आपको किसी भी पेज को, किसी भी इमेज को करना पड़ेगा तब आप ऐसे ही कर सकते हैं, कंट्रोल और प्लस में प्लस की करना है, एंड फॉर जूम आउट कंट्रोल प्लस की। यानी कि जब जूम करना होगा तो कंट्रोल प्लस की, जब जूम आउट करना होगा तो कंट्रोल माइनस की। हो गया। अब इसमें तीसरा आता है, इन एडिशन टू दिस यू कैन फिट द इमेज टू स्क्रीन बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ओ। अब देखिए, आपके पूरे के पूरे स्क्रीन पर अगर किसी इमेज को फिक्स करना है तो आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करके भी उसको फिक्स कर सकते हैं। टू सी द इमेज इन इट्स एक्चुअल साइज प्रेस कंट्रोल प्लस वन। अब देखिए, अगर आपको आपके इमेज को आपके एक्चुअल साइज में देखना है जिस साइज को आपने पहले से रखा था, यानी कि बाय डिफॉल्ट साइज, तो आप कंट्रोल प्लस वन प्रेस कर सकते हैं। यू विल फाइंड दीज ऑप्शंस इन व्यू मेन्यू। आप इस ऑप्शंस को व्यू टैब में भी देखते हैं। जैसे अभी यहां पे देखिए, आपका कुछ दिया हुआ है, जूम इन के लिए शॉर्टकट की जूम कंट्रोल प्लस प्लस, जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस माइनस, फिट ऑन स्क्रीन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, एक्चुअल पिक्सल के लिए कंट्रोल प्लस वन। तो ये है हमारा फर्स्ट एक्टिविटीज।
इसमें हमको क्या करना है, जूम इन और जूम आउट करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने एक्टिविटीज पर, फोटोशॉप पे, और फिर वहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम अपने इमेज को जूम इन और जूम आउट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, वी हैव टू स्टार्ट आवर फोटोशॉप, देन वी क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड अगेन क्लिक ऑन द ओपन टैब। व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन द ओपन टैब, आवर स्क्रीन इज प्रेजेंट ऑन स्क्रीन, देन वी क्लिक ऑन द फोटो वट एवर और वट वी हैव टू इंसर्ट इन आवर फोटोशॉप, देन दिस इज द इमेज वी हैव टू इंसर्ट ऑन दिस ऐप, सो वी हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस। यू सी द पिक्चर इज इंसर्टेड इन योर फोटोशॉप एरिया। अब हमने क्या देखा कि ये जो हमारा पिक्चर है ये फोटोशॉप एरिया में इंसर्ट हो गया है। तो हमने फिर क्या किया, इसको फुल स्क्रीन किया। अब हमने क्या देखा था, हमें जूम इन और जूम आउट करना था, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल और प्लस पे क्लिक करना है, तब हमारा ये जूम इन हुआ, यानी कि तब हम लोगों ने क्या किया कि अपने पेज को जूम इन कर लिया। और फिर जब हम लोगों ने कंट्रोल प्लस माइनस पे क्लिक किया तो हमारा पेज देखिए जूम आउट हो गया। यानी कि व्हेन वी आर क्लिकिंग कंट्रोल एंड प्लस सेक्शन देन आवर फोटो विल बी जूम्ड इन, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन द कंट्रोल प्लस माइनस की दिस विल बी जूम आउट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वी हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस ओ, व्हेन वी क्लिक ऑन द कंट्रोल प्लस ओ ऑप्शन देन सी कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो ऑप्शन then the screen will be of full size, and when we press control plus one option then it will be our actual and normal size. So first what we have to do, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने सारे के सारे प्रोसेस को पूरा कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टूल क्या है, our next tool is activity 2, that is duplicate a part of image by simple section, yani ki we have to create a duplicate screen of our image. When you are seeing that, jab hum log kya dekhte hain ki agar hame kisi cheez ka duplicate copy karna padta hai, aap logo ko hi exam mein agar 2 minute ke liye chhod diya jata hai to kya karte hain, ये चाहते हैं ना कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है बगल वाले का कॉपी मिल जाए उसको आप तुरंत कॉपी कर लीजिएगा। तो सेम इसी तरीके से यहां पे क्या होता है कि जब आप किसी चीज का डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो ये जो हमारा टूल है वेरियस मार्क्यू टूल, ये हमारे उस सेक्शन को कॉपी करता है और फिर उसको मूव करके उसका दूसरा एक कॉपी बनाता है। फर्स्ट सेक्शन टू मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द इमेज, फर्स्ट सेलेक्ट द पार्ट यूजिंग वेरियस सिलेक्शन टूल्स, the simplest one are the rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, they are used to select the rectangular and circular region, any manipulation is applied on the screen region of the image. ab aaiye hum log ek image ko fir se lete hain aur usme aapko ye effect insert karke dikhate hain. to sabse pehle we have to start our photoshop, then again we have to insert image, we are inserting image again, then image is present on our screen. फिर हमें क्या करना है, हमें इसका एक duplicate copy बनाना है। तो यहां पे what you have to see, this is a solar system. आप लोग एक solar system को देख रहे हैं जिसमें यहां पे हमारा sun है, mercury, venus, सारे के सारे planets जो है वो यहां पे मौजूद है। तो हमें क्या करना था कि हमें मार्क्यू टूल को यूज करके उसका एक कॉपी बनाना था। तो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट आवर मार्क्यू टूल, व्हाट, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो यहां पे हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल यूज कर सकते हैं, तो हमने उसको यूज किया। अब जब हमने उसको यूज किया तो हमने अपने सबसे पहले हम अपने रीजन को सेलेक्ट करेंगे कि किस रीजन का कॉपी हमको बनाना है। तो हमने इस जुपिटर को कॉपी किया, इस रीजन को, फिर हम लोगों ने क्या किया, इस रीजन को कॉपी किया और फिर मूव टूल का यूज किया, और फिर
आप यहां पर देखिए, हम इसे यहां से यहां रखती है, यानी कि वी हैव टू मेक नंबर्स ऑफ कॉपीज. सी हेयर, सी हेयर, सी हेयर, सी हेयर, सी हेयर, सी हेयर. आप लोग जितने नंबर ऑफ टूल्स क्रिएट करना चाहते हैं आप उतने नंबर ऑफ टूल्स क्रिएट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू. जरूरी नहीं है कि आप एक ही यूज कर सकते हैं. वॉट एवर यू हैव टू वॉन्ट, अगर आपको 10 कॉपी भी बनाना है तो आप इसका 10 कॉपी भी बना सकते हैं, 20 कॉपी करना है तो 20 कॉपी भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप एक का करिएगा तो दूसरा नहीं होगा, आप दूसरे रीजन को भी सिलेक्ट कर करके देख सकते हैं. ये आपका हो गया, आप इस रीजन को आपने सेलेक्ट किया. अब आप देखिए, जब आप इस रीजन को सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर से इसका सिलेक्शन पीरियड जो होगा और ये आपको यहां से वहां फिर से ये भी मूव हो जाएगा. तो ये आपका कौन सा था, ये आपका था सेकेंड नंबर. आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरे. ऐसे ही आपको क्या करना है, आपका वर्क ये रहेगा कि आपको वन बाय वन करके रिक्टेंगुलर, हमने आपको इलिप्टिकल इंसर्ट किया, आपको रिक्टेंगुलर, उसके बाद आपका इलिप्टिकल और आपका दो और जो है वन लाइन. यहां देखिए, यहां पे आपका रिक्टेंगुलर मार्किट्यूल, इलिप्टिकल मार्किट्यूल, सिंगल रो मार्किट्यूल, सिंगल कॉलम मार्किट्यूल. तो इन हमने आपका एक किया. अब आपको क्या करना है, आपको इन तीन को यूज करके एक एक इमेज बनाना है और फिर उस इमेज को कर बना के आपको अपने व्हाट्सएप पर भेजना है. तो आपको पता चल गया कैसे हम उसका कॉपी करते हैं और कैसे फिर से उसको मूव करते हैं एक अलग सेक्शन में. अब आप इसी से आगे देखिए, यहां पे अब हमारा कुछ नोट्स दिया हुआ है. सिलेक्शन मोड इज ऑप्शनल बार्स टू ऐड एन एरिया टू द एग्जिस्टिंग सेक्शन, होल्ड डाउन शिफ्ट की. अगर आपको फिर से एक और एरिया ऐड करना है तो शिफ्ट की को प्रेस करके रखिएगा और फिर आपका वो एरिया ऐड होगा. टू सब्ट्रैक्ट एन एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग, होल्ड ऑन अल्ट. और जब आपको किसी एरिया को घटाना पड़ेगा तो आप अल्ट को प्रेस कीजिएगा. व्हाइल सेलेक्टिंग टू इंटरसेक्ट एन एरिया विद द एग्जिस्टिंग सेक्शन, शिफ्ट प्लस अल्ट. अब देखिए, अगर आपको दो एरिया को एक साथ मिलाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, शिफ्ट प्लस अल्ट दोनों एक साथ कीजिएगा. दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन योर ऑप्शंस बार. और ये ऑप्शंस आपके कहां मौजूद होते हैं, ऑप्शन बार पे मौजूद होते हैं. अब हमारा एक्टिविटी नंबर थर्ड आता है और एक्टिविटी नंबर थर्ड है हमारा क्रिएटिंग डुप्लीकेट बैलून. वो तो वहां पे बैलून का इमेज था इसीलिए उसने बैलून का इमेज यूज किया. हम लोग यहां पर आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यहां पर किसका इमेज यूज करेंगे, क्रिएटिंग डुप्लीकेट व्हाट प्लैनेट, क्योंकि हमने यहां पर इंसर्ट क्या किया है, एक सोलर सिस्टम को किया है. तो ये हमारा टूल्स कौन सा है, ये हमारा टूल है मैग्नेटिक लैसो टूल, यानी कि ये हमारा लैसो टूल है. तो आइए हम लोग देखते हैं लैसो टूल को कैसे हम लोग यूज करते हैं. सबसे पहले आप देख लीजिए, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ बैलून इन आवर इमेज वी नीड टू सेलेक्ट द बैलून ओनली, टू सेलेक्ट एन इरेगुलर शेप लाइक बैलून. अब आपको क्या करना है, आपको उस पूरे रीजन को सेलेक्ट करना है जिस रीजन पे आपको अपने मैग्नेटिक लैसो टूल को यूज करना है. जब आप उस रीजन को सेलेक्ट कीजिएगा, वो क्या करता है, वहां हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक कॉपी बनाते हैं, लेकिन यहां वहां से उसको हटाएगा और फिर अलग जगह जाके उसको ये पेस्ट करेगा. तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं. तो सबसे पहले फिर से अगेन हम लोग अपने फोटोशॉप को खोले, इसमें फिर से अगेन हम लोगों ने इमेज को इंसर्ट किया. अब हमें टूल बॉक्स के किस टूल को यूज करना है, हमें टूल बॉक्स के मैग्नेटिक टूल को यूज करना है. तो देखिए यहां पे जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल. तो हमें किसका यूज देखना था, मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज देखना था. तो देखिए, व्हेन वी आर क्लिकिंग द एरिया, जब हम लोग इस एरिया पर क्लिक करते हैं, देखिए हमने इस जुपिटर के सारे एरिया पर क्लिक किया, ये हमारा सारा एरिया सेलेक्ट हो गया. याद रखिएगा, आप जहां से अपने इस पॉइंटर को शुरू करते हैं वहीं पर जब आप अपने पॉइंटर को खत्म करिएगा तभी जाके आपका ये एरिया सेलेक्टेड होगा. और फिर आपने क्या किया, मूव टूल का यूज किया. और फिर आप क्या देखते हैं कि आप इस इमेज को यहां से मूव करके यहां रख सकते हैं, या फिर यहां से मूव करके यहां रख सकते हैं, यहां से मूव करके यहां रख सकते हैं, यहां कहीं भी आप इसको रख सकते हैं. इस इमेज का यूज कहां करते हैं, आप कभी स्टूडियो में,
या फिर आप कभी ताजमहल नहीं देखे और आप स्टूडियो में जाते हैं तो क्या किया जाता है, पीछे बैकग्राउंड में ताजमहल रहता है और उसके आगे में आपके इमेज को ऐसे ही करके कट किया जाता है मैग्नेटिक लेसो टूल से और फिर उस एरिया को केवल उठा के उस ताजमहल के आगे में ला के रख दिया जाता है। जब उसको रख दिया जाता है तो ये लग, जैसे हमने अभी क्या किया, जुपिटर को उठा के सन के प्लेस पे रख दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सन के प्लेस पे नहीं था, नहीं लग रहा है कि जुपिटर जो है उसी का अपना लाइट है, लेकिन ये सही में नहीं है। तो हमने अभी क्या देखा, मैग्नेटिक लेसो टूल। तो हमने लेसो टूल का यूज कैसे किया वो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फिर से आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, ये देखिए यहाँ पे फिर से हमारा वही लेसो टूल था, लेसो टूल को यूज किया, पॉलीगन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। हमने मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज किया, आपका वर्क ये है कि आपको पॉलीगन लेसो टूल और लेसो टूल का यूज करना है और फिर से सेम उसको मूव टूल से मूव करना है और उसका एक कॉपी आपको अलग करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, चेंजिंग सम कलर इन पेन, अब कुछ कलर चेंज करना है। मैग्नेटिक वेंट टूल एंड पेंट बकेट टूल, अब इसमें क्या होता है कि ये मैग्नेटिक वेंट टूल है जिससे कि क्या होता है किसी सेक्शन में कलर होता है। यहाँ क्या कहता है, फोटोशॉप अलाउज अस टू सेलेक्ट द रीजन ऑफ द इमेज बाय सेंसिंग द कलर इन इट। फॉर एग्जाम्पल इन आवर इमेज वी कैन सेलेक्ट द टॉप येलो कलर इन द बैलून, द स्पैम ऑफ कलर सेलेक्टिंग डिटरमाइंड एंड प्रॉपर्टी कॉल्ड टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होता है, द स्पैम ऑफ कलर सेलेक्टेड एंड डिटरमाइंड बाय प्रॉपर्टी। जब हम किसी प्रॉपर्टी में जाके किसी भी इमेज का कलर सेलेक्ट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल आपको फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए। इन द टूल बॉक्स सेलेक्ट मैग्नेटिक वेंट टूल एंड सेट द टॉलरेंस 32 इन द ऑप्शन बार। आइए हम आपको लाइन बाई लाइन अभी दिखाते हैं फिर से। ये हमारा इमेज इंसर्टेड है, अब यहाँ पर मैजिक वेंट टूल कहाँ है, आप अपने टूल बॉक्स पर क्लिक किए, यहाँ पर मैजिक वेंट टूल है, आपने इस पर क्लिक किया या नहीं किया, तो आपने इस रीजन पर क्या किया, क्लिक किया। अब देखिए आप जहां भी क्लिक कीजिएगा वहां के ये पूरे एरिया को सेलेक्ट करता है, कर रहा है। अगर इसी पर डबल कीजिए किया तो ये पूरे के पूरे एरिया को सेलेक्ट कर रहा है। और फिर हम इस टूल को यूज करके, यहां देखिए आपका स्वेचेज है, यहां तो पहले से ही कलर फीड है, लेकिन जहां पर आपका व्हाइट पोर्शन कलर होंगे वहां पर आप कलर इसमें फीड कर सकते हैं। और ये है आपका कलर अरेंजिंग का ऑप्शन, जहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से किसी भी कलर को इसमें इंसर्ट करते हैं। और ये मैजिक वेंड टूल जो है आपका, ये इसी के लिए यूज होता है कि आप क्या करते हैं, इसमें कलर इंसर्ट करते हैं और फिर इसको अप्लाई करते हैं। तो सेम यही ऑप्शन है आपका, फिर आपको शिफ्ट की प्रेस करना है, पेंट बकेट टूल पर जाना है और फिर आपको सारे के सारे रीजन को अच्छे से क्या करना है, कलर करना है। यहाँ से कलर लेके ऐसे ऐसे करके जब आपका व्हाइट प्लेस रहेगा तो वहाँ पे आप इसको कलर कर सकते हैं। अब आपका ये हो गया, तो यहाँ पे आप इस टूल का और इस टूल का यूज करके आप सैंपल एक फोटो बनाइएगा और फिर इस सारे रीजन को देखिए, यहाँ पर जो रीजन था उसका कलर चेंज करके दूसरे कलर कर रीजन का कलर कर दिया है। अब आपका पांचवा है, और पांचवा आपका है रिमूविंग आउटलाइन एरिया ऑफ द इमेज, यानी कि क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल का होता है कि आप किसी भी चीज को क्रॉप करके छोटा करते हैं। तो देखिए यहां है आपका क्रॉप टूल, आपने इस पर क्लिक किया, आपको क्या करना है, बस इतने ही रीजन को लेना है क्रॉप टूल। तो जब आपको केवल और केवल इतने ही रीजन को लेना होगा तब आप क्या कीजिएगा, आप अपने उस पोर्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर पोर्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप उसका यूज कीजिएगा। देखिए आपको केवल इतना इमेज लेना है, आपने इस पोर्शन को सेलेक्ट किया, क्रॉप टूल पर क्लिक किया, फिर आपने इसे क्या किया, क्रॉप किया। जब आपने क्रॉप किया तो यहां से वो सारा पोर्शन हट गया। अब आप उस इमेज को यहां पर लाइए और केवल आप इतने इमेज को सेव करके रख सकते हैं। आपको देखिए क्रॉप हो गया, इतना ही रीजन हुआ या नहीं हुआ, तो आप पर ये जितना भी है सारे स्टेप्स को आप फॉलो करके वन बाय वन करके आप किसी भी चीज को क्रॉप कर सकते हैं और फिर उसका प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही है, आप लोगों को क्या करना है, इन सारे टूल्स को यूज करना है।
एक एक इमेज उसमें इंसर्ट करके और फिर हमको व्हाट्सएप पर शेयर करना है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, हम आपको और भी ज़्यादा किसी कोई कोई इमेज को ऐड करके उसको फिर से करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको कोई किसी चीज़ में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप अपना क्वेश्चन बनाना मत भूलिएगा, इन सारे टूल्स को यूज़ करना है आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग इमेजेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।